2002 में दिल्ली के पावर सेक्टर में एक बड़ा रिफॉर्म हुआ था, जो दिल्ली विद्युत बोर्ड था उसको अनबंडलिंग करके अलग अलग पावर सेक्टर की एंटिटीज़ बनाई गई थी, जिसमें पावर जनरेशन कंपनीज जो दिल्ली सरकार चलाती है, IPGCL, PPCL, एक ट्रांसमिशन कंपनी जो दिल्ली सरकार चलाती है दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, और दिल्ली में 3 डिस्कॉम्स, BSES की 2 डिस्कॉम्स और टाटा पावर की 1 डिस्कॉम, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। जब दिल्ली विद्युत बोर्ड की अनबंडलिंग हुई थी तो जो सरकारी कर्मचारी उस समय दिल्ली विद्युत बोर्ड में काम कर रहे थे उनको पूरी फैसिलिटीज़ देने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार ने ली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हुए, जो पेंशनर्स बने, उनमें से कई सरकारी कर्मचारियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अक्सर इन रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ DVB के पेंशनर्स को पेंशन टाइम से नहीं मिलती थी, उनकी सारी फैसिलिटीज़ टाइम से नहीं मिलती थी। 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, तब DVB पेंशनर्स ने उनके सामने अपनी सारी समस्याएं रखी, और मुझे इस बात की खुशी है कि तब से अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में दिल्ली विद्युत बोर्ड के सारी पेंशनर्स के सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया गया, और लगातार हर साल जो भी पेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, पिछले साल में ये 1818 करोड़ थी, ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है। लेकिन एक मुश्किल का सामना अभी भी दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनर्स कर रहे थे। दिल्ली विद्युत बोर्ड में 20,000 से ज़्यादा पेंशनर्स हैं। जो पेंशनर्स रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी अवेल करते थे, उनको एक बहुत परेशान करने वाली प्रक्रिया से रीइंबर्समेंट लेना पड़ता था। ये सारी मेडिकल रीइंबर्समेंट का प्रोसेस जो दिल्ली विद्युत बोर्ड का पेंशन ट्रस्ट है उसके माध्यम से होता था। तो अगर कोई पेंशनर है, स्वाभाविक बात है वो बुज़ुर्ग है, ये भी स्वाभाविक बात है कि एक उम्र के बाद मेडिकल रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाती हैं, और जब एक बुज़ुर्ग पेंशनर को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस में लाइनों में लगना पड़ता है अपने मेडिकल के बिल्स रीइंबर्स कराने के लिए, तो वो बहुत परेशान होते हैं। दिल्ली विद्युत बोर्ड के ये पेंशनर्स दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से मिले, और उन्होंने अपनी इस समस्या को, अपनी इस परेशानी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सामने रखा, और हमेशा की तरह अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी समस्या का समाधान करने का वादा किया, और मुझे एज पावर मिनिस्टर उन्होंने डायरेक्शन दी कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि इन पेंशनर्स को अपने मेडिकल बिल्स रीइंबर्स कराने के लिए इधर से उधर भागना ना पड़े। अरविंद केजरीवाल जी ने ये डायरेक्शन दी कि किसी तरीके से कैशलेस मेडिकल प्रोसीजर्स की सुविधा इन पेंशनर्स को मिल जाए, और मुझे खुशी है इस बात की आज ये घोषणा करते हुए कि दिल्ली विद्युत बोर्ड से रिटायर्ड पेंशनर्स को कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी देने का निर्णय दिल्ली सरकार के द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा किया गया है। इस फाइल को मैंने कल ही साइन किया है, और 19 तारीख 20 तारीख तक इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन भी कर दिया जाएगा।